हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम सिक्स नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो यहां पर आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पहला क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसका प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन इंटरनेशनल इन द लास्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम सेकेंड क्वेश्चन है

वीडियो को पॉज करके अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है 2008 में लॉन्च किया गया था एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर और इनका मेन काम ये था कि वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटेंशन से बचाना है लेकिन बाद में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का ही स्कोप ब्रॉडन कर दिया गया और इसमें स्नो लेपर्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया गया तो अब ये दो के लिए काम करता है वाइट टाइगर्स के लिए और दूसरे लेपर्ड के लिए फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से जी टी के तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इवायरमेंटल इन्वायरमेंट फैसिलिटी स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूशन सेव द टाइगर फंड और ये जो इनिशिएटिव है ये लीड किया जाता है बे द थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इसका मतलब ये कि पहले से जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का अकूमुलेटेड डेट था उसके ऊपर गवर्नमेंट को जितना इंटरेस्ट देना है वो माइनस कर दिया जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि जो पास्ट का बर्डन होता है वो प्राइमरी डेफिसिट में नहीं दिखता है तो अब इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं तो ग्लोबल टाइगर इज अ प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी डेफिसिट तो प्राइमरी डेफिसिट इज द सम ऑफ द टो नो इट इज द डिफरेंस ऑफ द फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इट इंक्लूड्स द बर्डन ऑफ द पास्ट डेट नो इट एक्सक्लूड्स द बर्डन ऑफ द पास्ट डेट क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो दिल्ली की एयर क्वालिटी वो सीवियर में टर्न हो गई तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लेते हैं तो 2014 में लॉन्च किया गया था विद द आउटलाइन वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन ताकि जो कॉमन लोग हैं उनको समझ आ जाए कि एयर की क्वालिटी क्या है उस नंबर को देखकर तो मेज़रमेंट एयर क्वालिटी का आठ पॉलिटेंट्स के बेसिस पर किया जाता है पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एन ओ टू छः क्वालिटी छः कैटेगरीज होते हैं एयर क्वालिटी के गुड सेटिसफैक्ट्री मॉडर्ली पोल्यूटेड पुअर वेरी पोअर सीवियर और ये डेवलप किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स सीपीसीब के द्वारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन कंसल्टेशन विद आई आई कानपुर तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए अभी आपको ये आठ जो पोलूटेंट है वो पता होने चाहिए पीएम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव पी बी टू तो ये सब आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं यहाँ पर आदि शंकराचार्य का जो स्टैचू है उसको इनोग्रेट किया गया तो हम शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं तो शंकराचार्य ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदि शंकरा केरला में इनका जन्म हुआ था सेवन एटी एट सीई में इन्होंने अद्वैत की जो डॉक्ट्रीन उसको प्रोपाउंड किया था इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं वैदिक कैनन के ऊपर संस्कृत में तो प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रीन ऑफ अद्वैत तो इनकी ये वाली डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अद्वैत की डॉक्ट्रीन मेजर वर्क्स इनके क्या है तो ब्रह्म सूत्र भाष्य तो भाष्य और कमेंट्री ऑन द ब्रह्मसूत्र दूसरा जो इनका मेजर वर्क है वो है भजा गोविंद सूत्र थर्ड है निर्वाणा शतकम तो ये आपको तीन पता होने चाहिए इनके मेजर वर्क कौन से हैं और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो बेसिकली इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने हिंदुजम को रिवाइव किया था उस समय जब बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था तो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग हिंदुजम इन इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट वन बुद्धिज्म वॉज गेनिंग पॉपुलरिटी इसके अलावा इन्होंने चार मठ्स एस्टैब्लिश किए थे इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया इन्होंने मेमासा स्कूल ऑफ फिलोसफी को क्रिटिसाइज़ किया था एंड एक्सप्लेन अ मेजर पॉइंट ऑफ डिवियंस बिटवीन हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म जो बुद्धिज़्म करता है कि कोई सोल कोई सेल्फ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू आदि शंकरा जो हिंदुज्म है उसमें आत्मन होती है मतलब सोल या सेल्फ एग्जिस्ट करता है तो बेसिक थीम जो है वो अद्वैत का ये है कि एक अनचेंजिंग एंटिटी है वो है ब्रह्मन अलोन इज रियल जो बाकी चेंजिंग एंटिटीज़ है वो एब्सुलूट नहीं है उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो एक ही चीज़ है जिसकी एग्जिस्टेंस होती है वो है ब्रह्मन द वर्ड इज माया और रिल्यूजन एंड ओनली द सेल्फ इज रियल तो यहाँ पर जो ब्रह्मन है उसको यहाँ पर सेल्फ से रिलेट किया गया है तो सिर्फ सेल्फ ही असली है अ पर्सन हु रियलाइजेस दिस अटेंस मोक्ष तो जिसको अपना सेल्फ का पता चल जाता है वो इंसान यहाँ पर मोक्ष को या लिब्रेशन ऑफ द सोल को अटेंड कर लेता है द डॉक्ट्रीन सेज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आत्मन एंड द ब्रह्मन द इंडिविजुअल सोल इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मण तो जो इंडिविजुअल की सोल है वो ब्राह्मण से बिल्कुल भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है इसीलिए अद्वैत का नाम रखा गया नॉन डुअलिटी शंकराचार्य ने चार मठ्स इस्टैब्लिश किए थे ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा उन्होंने बोला था कि हम ब्राह्मण को रियलाइज कर सकते हैं अगर हम डिनाउंसिएशन कर दें और इसके अलावा नॉलेज के पाथ को अडॉप्ट करें तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी अद्वैत की फिलोसफी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये होता है कि सोल और सेल्फ एग्जिस्ट करता है और जो आत्मन है और जो ब्राह्मण है वो एक ही चीज़ है और बाकी सारी चीज़ें माया और इल्यूजन है अब साउथ एशियन डिसेंट जीन जिंक टू हायर कोविड रिस्क अब यहाँ पर एक जीन की बात की गई जो कि ल्यूसाइन ज़िपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक वन इस जीन की वजह से हम जो है वायरस के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम रही है ऐसा इनका कहना है तो हाई रिस्क वर्जन ऑफ द जीन ल्यूसाइन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक वन तो ये जो एल जेड टी एफ एल वन ये आपको कहीं भी दिखे तो बेसिकली ये जीन है और इसी की वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो इतना हमारे इंडियन लिंक्स में देखा गया है इंडियन जीन में कि रेस्पिरेटरी फेलियर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू दिस वन जीन तो रिसर्चर्स इन द यूनाइटेड किंगडम हैव रिपोर्टेड आउट ऑफ दिसर्चर्स ऑफ साउथ एशियन एनसेस्ट्री कैरी अ जीन अट इज एसोसिएटेड विद द डबलिंग ऑफ द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर तो हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी फेलियर ज्यादा होते हैं ड्यू टू दिस वन जीन एल जेट टी एस एल वन आगे चलते हैं हम अब जो हमने ग्लासगो में अपने ग्रीन टारगेट्स हम देखा पंचम पंचामृत पंचा का टारगेट अब इंडिया का ये कहना है कि वो टारगेट्स हम तभी पूरा कर पाएंगे जब यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हमें यहाँ पर देंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी तो प्राइम मिनिस्टर हैड मैंशन द फेलियर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स तो यहाँ पर बात हुई थी कि ये लोग हंड्रेड बिलियन डॉलर्स देने वाले हैं 2020 से जो कि इन्होंने नहीं दिए बाकी हमने जो अपने टारगेट्स दिए हैं अब वो इस बात पर कंटेंजेंट है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फाइनेंस कितनी जल्दी प्रोवाइड करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज आर अंडर एन ऑब्लीगेशन टू मेक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज तो अब इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हमें टेक्नोलॉजी दें अगर ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने जो हमने टारगेट्स दिए वो वो पूरे कर लें अब इंडिया मीटिंग कर रहा है अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर तो एन जो है उनकी मीटिंग होने वाली है तो यहाँ पर ईरान रशिया इन सारों ने बोल दिया कि ये लोग आ रहे हैं तो डेज़ आफ्टर पाकिस्तान एन एस ही वुड नॉट बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन इंडिया तो यहाँ पर पाकिस्तान के एन एस ए ने आने से मना कर दिया चाइना का भी रिस्पॉन्स क्लियर नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा तो अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है चाइना का रिस्पॉस क्या होने वाला है तो इंडिया होस्ट कर रहा है डेली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन द अफगानिस्तान और यहाँ पर ईरान और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे आर कमिंग फॉर दिस डायलॉग तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा आगे चलते हैं हम ये कल हिंदू में भी न्यूज़ आई थी पर ये मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं लेकिन दो दो जगह आ गई तो मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ तो आफ्टर एन सी आर टी मैनुअल ऑन ट्रांसजेंडर इंक्लूजन फ्रॉम साइट एक्सपर्ट सेज स्टैंड बाई इट अब यहाँ पर एन सी आर टी ने एक मैनुअल निकाला है कि बच्चों की स्टडीज़ में कैसे ट्रांसजेंडर का मैनुअल एक इंक्लूड कर दिया जाए तो एन सी आर टी अ टीचर्स मैनुअल ऑन ऑन इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर नॉन कन्फर्मिंग एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन फॉरम इट स्कूल फ्रॉम इट्स वेबसाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला अब इसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशनस थे कि ईयर मार्किंग कर देनी चाहिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स की फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के बारे में बताना चाहिए ताकि जो कुछ डेवलपमेंट्स उनको डिले किया जा सके लेकिन इसके अगेंस्ट डी कि इतने छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि उनकी साइकोलॉजी पर फर्क पड़ता है तो आगे चलते हैं एडिटोरियल्स बिल्कुल सेम है जो कि कल मैंने पुणे के एडिशन में डिस्कस किए थे आप यहाँ पर देख सकते हैं पुटिंग जस्टिस इन ऑर्डर ये मैंने आपको कल बता दिया था लेट द फूड पास और लेसन फ्रॉम अ नारकोटिक्स ट्रायल अब ये दोनों आर्टिकल बचे थे तो ये दोनों आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं लेकिन जो भी हम एक बार देख लेते हैं थोड़ी आपको इनसाइट्स मिल जाएगी तो पहले क्वार्टर जीडीपी से हमें यह पता चला जो इंडियन इकॉमी है वो नाइन परसेंट लोअर रेट से ग्रो हुई है दैन इट्स प्री पेंडेमिक लेवल अब यहाँ पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी एसबीआई बी आई के रिपोर्ट का ये कहना है जो इंडियन इकॉमी उसका फॉर्मलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया की जो इकॉानमी उसको तीन शॉक्स लगे हैं इन सेक्टर बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो वो तीन शॉक्स पहले तो एक डिमोनोटाइजेशन दूसरा जीएसटी और तीसरा पैंडेमिक तो इन शॉक्स की वजह से हो सकता है फॉर्मलाइजेशन हुआ हो अब वो कैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा के अकॉर्डिंग जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगभग फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट है टोटल वैल्यू एडेड इन द इकॉनमी और लगभग जो एटी सेवन परसेंट वर्कफोर्स है वो एंगेज है यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में अब एस की रिपोर्ट से यह पता चलता है जो इनफॉर्मल सेक्टर वो डिक्लाइन हो गया फ्रॉम फिफ्टी टू पॉइंट फोरसेंट इन ट्वेंटी सेवेंटी एटी टू फिफ्टी टू ट्वेंटी परसेंट इन ट्वेंटी 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 वन इनका ये कहना लगभग पंद्रह से बीस परसेंट तक इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया शिफ्ट फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर अकर एट टू लेवल्स अगर यहाँ पर जो शिफ्ट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ऑर्गनाइज सेक्टर में तो वो दो लेवल्स पर होता है पहला होता है फॉर्म के लेवल पे और दूसरा होता है वर्कर्स के लेवल पे कि जो वर्कर्स का कितना फॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो वाई इन द केस ऑफ ए फॉर्मर तो यहाँ पर जो फर्म को इस्टैब्लिश कर देना कि इनफॉर्मल से फॉर्मल में होगी वो अलग बात है लेकिन अगर वर्कर्स के फॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वर्कर्स के फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उनको यहाँ पर उनका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनको पेड लीव्स मिलने चाहिए उनको बाकी बेनिफिट्स मिलने चाहिए ई वगैरह के लेकिन अगर ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे सिर्फ वो ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसका मतलब फॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो देर इज़ ऑल्सो द इशू ऑफ एस्टिमेशन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट टिपिकली इंप्लाइज वर्कर्स विद नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पेड लीव नहीं है कोई बेनिफिट नहीं है तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ ई श्रम पोर्टल पर हो जा रहा उसका मतलब फॉर्मलाइजेशन नहीं होता है और इंडियन इकोनॉमी अगर इतनी फॉर्मल हो गई होती है पंद्रह बीस परसेंट से कम हो चुकी होती इसका जो इनफॉर्मलाइजेशन है तो बेसिकली मनरेगा में फिर इतनी ज्यादा डिमांड क्यों आ रही तो दो इन द एब्सेंस ऑफ डेटा इट इज डिफिकल्ट टू गेज प्रेसाइसली द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रेस तो हमें अभी डिस्ट्रेस नहीं पता है और ये जो रिपोर्ट है काफी इम्प्रॉबेबल है कि ऐसा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर अब यहाँ पर हम अपने पाँच टारगेट देकर आए हैं पंचानवे तेरह में नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट करनी है 50% इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल से जनरेट करनी है 1 बिलियन टन्स ऑफ एमिशन रिडक्शन करना है 2030 तक 45% एमिशन इंटेंसिटी में कमी करनी है 2030 तक और नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक अभी देखा जाए तो इंडिया के पास अभी कितनी रिन्यूएबल एनर्जी है तो 101.5 गीगावाट है हमारे पास अगर हम इसमें 46.5 गीगावाट हाइड्रो पावर की भी इंक्लूड कर लें और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर भी इंक्लूड कर लें तो टोटल वन फिफ्टी फाइव गीगा होगी और हमें करनी कितनी है फाइव हंड्रेड गीगा तो इसका मतलब हमें डेली टेन पॉइंट फाइव मेगा ऑफ़ रिनीबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पर डिप्लॉय करनी पड़ेगी तो नाउ इट हैज़ अपड द गेम गेटिंग टू फाइव हंड्रेड गीगा ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी विल नॉट बी ईजी तो हमें यहाँ पर लगभग रोज़ साढ़े दस मेगावॉट यहाँ पर रिनेबल एनर्जी कैपेसिटी डिप्लॉय करनी पड़ेगी और दूसरी बात जो हम ये वाला अपना एक टारगेट देकर आए हैं कि हमें वन बिलियन टन एमिशन रिडक्शन करना है 2030 तक तो इसका मतलब ये हो गया कि थ्री परसेंट एप्सोल्यूट रिडक्शन हो गया अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो 1990 से 2019 के टाइम पीरियड में मतलब बेसिकली 30 सालों में उन्होंने सिर्फ 3.7 परसेंट रिडक्शन किया है और यहाँ पर हम बात करें कि हम 10 सालों में 3 परसेंट का रिडक्शन कर देंगे और जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास तो टेक्नोलॉजी भी होती है तीसरी बात यहाँ पर जो की गई है अगर हम चाहते हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जो हाइड्रोजन का शेयर है इंडिया में वो बहुत कम है तो लगभग उसको 19 परसेंट तक बढ़ाना पड़ेगा इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको कम करना पड़ेगा तो बेसिकली जो नॉन ट्रेडिशनल से हम जनरेट करते हैं वो कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा मतलब फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं जनरेट करनी है कोल बेस्ड पावर पॉइंट कोल बेस्ड पावर का पूरी तरीके से यहाँ पर हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं लगभग उनको सेवेंटी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टोटल व्हीकल्स इसके अलावा एक नेशनल कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाने की बात की गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी और पूरा ये देखेगी कोऑर्डिनेट करेगी कि हम अपने क्लाइमेट एफर्ट्स पर कैसे काम कर रहे हैं एंड द लास्ट थिंग इज़ हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है हमने यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी बोला है कि लगभग आपको यहाँ पर वन ट्रिलियन देना चाहिए तो नेट जीरो अनाउंसमेंट इज़ एन इविटेशनल इन्विटेशन टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है ताकि वो सोलर पैनल विंड टर्माइंस इन सब में इन्वेस्ट कर सकें और हम अपने ये जो क्लाइमेट के टारगेट्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें इंडिया ने डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला है कि आपकी रिस्पॉसिबिलिटी आपको लगभग वन ट्रिलियन डॉलर यहाँ में देने की जरूरत है हमें क्या बेसिकली सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो जस्ट डेज अगो द हंड्रेड बिलियन डॉलर दैट वॉज मेंट टू बी डिलीवर्ड बाई ट्वेंटी ट्वेंटी तो दो हज़ार बीस तक जिनको हंड्रेड बिलियन डॉलर्स थे वो तो इन्होंने दिए नहीं और उस गाइडलाइन को और आगे पुश कर दिया दो हज़ार तेईस तक तो देर इज नो गारंटी दैट दिस न्यू डेडलाइन विल बी ऑनर्ड अब इन्होंने जो दो हज़ार तेईस की डेडलाइन दी है तो वो ऑनर करेंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है इन्होंने हंड्रेड बिलियन डॉलर की तब गारंटी दी थी पहले तो अब जब क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स यहाँ पर अपग्रेड हो रहे हैं तो जो फाइनेंस है वो भी तो अपग्रेड होना चाहिए इसके अलावा इंडिया जो है वो एकदम सेंटर स्टेज पे है क्लाइमेट चेंज को लेकर फॉर एग्जांपल हमने आईआरआईएस को यहाँ पर लॉन्च किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट जो कि इनिशिएटिव अंडर द सीडीआरआई डी आर फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अलावा हमने यहाँ पर वन वर्ड वर, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड का इनिशिएटिव लॉन्च किया जो कि इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के अंदर है तो इंडिया ने प्रूव कर दिया कि हमारे पास विजन है इसके अलावा हम एक्शन भी है हमारे पास तो इज रिक्वेस्टिंग कोऑपरेशन बस हमें कोऑपरेशन की जरूरत है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर फंड्स ने टेक्नोलॉजी ने अपने क्लाइमेट गोल्स पर

अब ये फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन है ये ग्लासगो समिट में ही बनी थी तो किसने बनाई है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोंग विद यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एंड फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी इन्होंने अनाउंस किया था कि ये फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन बना रहे हैं तो फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है जैसे कि अमेजॉन ने ज्वाइन कर लिया एप्पल ने ज्वाइन कर लिया महिंद्रा ग्रुप डालमिया सीमेंट इन लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन को ज्वाइन कर लिया फर्स्ट मूवर कोएलिशन काम क्या करेगा तो बेसिकली काम करेगा कि जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज की तरफ दुनिया मूव करे तो कोएलिशन हैज़ बीन लॉन्च कॉप ट्वेंटी कॉप ट्वेंटी ग्लासको अब फाइजर ने यहाँ पर एक पिल बना दी है कोविड के लिए जिसका नाम हो रहा है पैक्सो पैक्स लोविड कल हमने एक और पिल पढ़ी थी वो थी मोलनू पेरावीर अब यहाँ पर दूसरी पिल आ गई है पैक्स लोवट तो फाइजर पिल विच विल बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पैक्स लोविड अब इनका यह कहना है इनकी पिल बहुत ज़्यादा अच्छी है अब चाइना बैकवर्ड्स ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस अब चाइना एक लॉ लेकर आ रहा है कि कोई भी मेन लैंड चाइना में यहां पर ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करेगा तो टू बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ तो चाइना विल मेक पीपल हु सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस क्रिमिनली लाइबल फॉर लाइफ तो ऐसा किया जाएगा जो भी प्रो ताइवान इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा तो चाइनीज डिसीजन टू पनिश पीपल हु सपोर्ट ताइवानस इंडिपेंडेंस बाई ब्लॉकिंग देम फ्रॉम एंशिंग तो यहाँ पर कोई भी ताइवान इंडिपेंडेंस की बात करेगा तो वो मेन लैंड चाइना में एंटर नहीं हो सकता इसके अलावा उसकी कोई भी कंपनी होगी तो उसको कोई भी फंड नहीं मिलेंगे तो ताइवानीज पीपल तो जो ताइवान के लोग हैं वो ज़्यादातर मेन लैंड चाइना में काम करते हैं और जो जो ताइवानीज कंपनी है उनको लोकल सपोर्ट भी मिलता है लोकल पॉलिटिशियन से तो अब उनको ये सारे सपोर्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये एक लॉ लेकर आ रहे हैं कि कोई भी ताइवान इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा भी इंक्लाइंड होगा तो उनको क्रिमिनली लाइबल फॉर लाइफ यहाँ पर रखा जाएगा ये जो एक्सप्लेन सेक्शन है ये कल हमने डिस्कस किया था ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस के बारे में फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में तो आई होप आपको आज का न्यूज़ पर समझ आया हो इफ़ यू लाइक द वीडियो दें प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे